आगे बढ़ने से पहले चेतावनी देनी जरूरी है। आज तक मैंने जितनी भी सच्ची घटनाओं वाली स्टोरीज बताई हैं, ये वाली स्टोरी उनसे बहुत ज्यादा अलग है। आज की यह सच्ची स्टोरी इतनी ज्यादा डरावनी है कि खौफ को भी उसकी खौफियत से डर लग सकता है। यह स्टोरी खत्म होते होते पागलपन तक पहुंच जाएगी। आपको यह आज की स्टोरी फेक लग सकती है, मुझे भी लगी थी, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आई नो आपको भी यह स्टोरी सुनने के बाद विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर खुद पढ़ लेना। आज के बोले गए मेरे बोल आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। आप इस वीडियो को अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो और खोलकर भी। वो गारंटी मैं देता हूं आपको कि आपको सब कुछ समझ आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्टोरी के किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं। ये रही उनकी फोटो और ये भाई साहब हैं कार्ल स्टैंजलर। आगे के जो करेक्टर्स हैं उनको मैं बताने के लिए पाबंद हूं, उनके बारे में मैं आपको आगे ही बताऊंगा। चलो आज की यह खतरनाक, डरा देने वाली और खौफनाक सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि हम जाने वाले हैं 134 साल पहले, सन 1889। कार्ल स्टैंजलर एक 12 साल का बच्चा था। अब इसका मैं पूरा नाम नहीं बोलूंगा, इसको मैं शॉर्ट में टैंजलर ही बोलूंगा। टैंजलर अपने माँ बाप के साथ जर्मनी में रहता था। टैंजलर को अक्सर डरावने सपने आते थे, लेकिन एक रात उसे एक ऐसा सपना आया जिसे वो अपनी सारी उम्र नहीं भूल पाया। टैंजलर अपने बेड पर सोया हुआ था, उसे सपना आता है और उस सपने में वो एक बहुत ही डार्क जगह पर खड़ा हुआ था, जहां पर दूर दूर तक दिख रहा था तो सिर्फ अंधेरा, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। और फिर एकदम से उसको पीछे से किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है, जो कि लगातार तेज हो रही होती है, जिसे सुन वो इधर उधर देखने लगा। और जब उसने अपनी पीठ पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत बहुत ही सुंदर लॉन्ग व्हाइट ड्रेस पहने अंधेरे को चीरती हुई टैंजलर की ओर आ रही थी। वो औरत बिल्कुल टैंजलर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर टैंजलर को अपना परिचय देती है कि मैं कौन हूं वगैरह वगैरह। अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुन आपके भी तोते उड़ जाएंगे। वो औरत बताती है कि मेरा नाम एना कॉन्स्टेंटिया है, जो कि 1700s में एक रियल पर्सन थी, यानी एक जिंदा औरत, जिसे जर्मनी में नोबल वुमन भी माना जाता था। तो टैंजलर को इंट्रोडक्शन देने के बाद वो औरत उसे कहती है कि मैं तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हूँ और मेरी मौत को भी काफी समय बीत चुका है और मैं तुम्हारे सपने में सिर्फ एक इम्पोर्टेंट मैसेज डिलीवर करने आई हूँ, बस एक संदेश देने आई हूँ। टैंजलर सिर्फ हक्का बक्का होकर सुन रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, डरना चाहिए या नहीं, एक्साइटेड होना चाहिए या नर्वस। इससे पहले कि टैंजलर कुछ करता, वो औरत यानी जिसका नाम है एना, वो मुड़ती है और जहां से वो बाहर आई थी उसी की ओर पॉइंट करती है। तो टैंजलर भी उसी की ओर देखता है जिस तरफ एना ने अपनी उंगली को पॉइंट किया होता है। और फिर एकदम से उस डार्कनेस से, उस अंधेरे से एक और औरत का चेहरा उसके सामने आता है, जो कि ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कोई फोटो हवा में लहरा रही हो। और जैसे जैसे वो फोटो तैरती हुई उसके पास आ रही होती है, टैंजलर को एहसास होता है कि यह फोटो वाली औरत बहुत ही सुंदर है। उसके काले लंबे घने बाल हैं और उसकी चमड़ी सफेद है, जैसे कि पोर्सलिन से बनी हो। लेकिन कुछ तो अजीब था उस फ्लोटिंग फोटो में। वो लड़की उस फोटो में बहुत ही उदास और दुखी सी लग रही थी। वो फोटो टैंजलर के एकदम सामने आकर रुक जाती है और टैंजलर उसे घूर ही रहा होता है कि एना टैंजलर से कहती है कि यही औरत जिसे तुम देख रहे हो, ये औरत तुम्हें फ्यूचर में, यानी भविष्य में तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन जब ये तुमसे मिले तो तुम्हारा मिशन होगा इस औरत को ठीक करना, क्योंकि ये औरत बहुत ही बीमार होगी और तुम्हें इसे जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। फिर वो अपने बिस्तर से एकदम से जागता है। वो सोच रहा होता है उस रास्ते के बारे में जो उसने बताया उसे जिंदा रखने के लिए, लेकिन उस रास्ते को सोचते सोचते मुझे कुछ याद आया कि रास्ता तो आपको पैसा कमाने के लिए भी खोजना होगा, चलो आपका काम आसान कर देता हूँ। क्या आपको पता है आप अपने ओपिनियन केवल हाँ या ना में देकर कैश कमा सकते हो प्रोबो ऐप के थ्रू। प्रोबो इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना ओपिनियन देकर बड़े रिवॉर्ड्स तक जीत सकते हो, वो भी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देकर, जिसमें आपको हर तरह की कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट, यूट्यूब, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स और भी बहुत सारी। और ऑल
ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस ऐप को यूज करके रोज रिवॉर्ड्स जीत रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के हिसाब से कैटेगरी चूज करनी है और उस पर अपना ओपिनियन देना है। इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इंडिया टू विन सेकंड ओडीआई मैच वर्सेस श्रीलंका। मेरे को लगता है इंडिया ही जीतेगी, तो मैंने इस पर यस दबा दिया और क्वांटिटी इंक्रीज कर दी ताकि प्रॉफिट भी ज्यादा हो। पठान मूवी की रिलीज डेट से पहले क्या उसका ट्रेलर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाएगा? लगता है व्यूज क्रॉस हो ही जाएंगे, तो यस कर देते हैं। जीतने के बाद मैं इनको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और कार्ड के जरिए निकाल भी सकता हूं और जरूरत पड़ने पर ऐड भी कर सकता हूं। तो आप भी अपने ओपिनियन को जाके प्रोमो पर यूज करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, उससे डाउनलोड करोगे तो आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपए। डाउनलोड करो, प्रोमो करो। तो वापिस हमारी स्टोरी पर चलते हैं। हम कहाँ थे? वो अपना सपना देखता है, उसमें एक ऐना नाम की औरत उसे दिखाई देती है और वो उसे एक तस्वीर भी दिखाती है और बताती है कि फ्यूचर में ये लड़की तुम्हें मिलेगी और तुम्हें इसको बचाना है, यही तुम्हारा मिशन है। फिर एकदम से टैंजलर अपने सपने से जाग जाता है। तो आगे की कहानी अब। टैंजलर जागने के बाद देखता है कि वो तो सिर्फ एक सपना देख रहा था, लेकिन वो सपना इतना ज्यादा रियलिस्टिक था जैसे कि ऐना नाम की लड़की सच में थी और वो सब कुछ सच में हुआ हो, सच में उससे मिला हो। लेकिन कुछ समय तक सोचने के बाद टैंजलर ने सोचा कि चलो छोड़ो, ये तो एक सपना ही तो था। लेकिन दोस्तों, बाकी सपनों की तरह ये सपना उसका पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये सपना बाकी सपनों की तरह धुंधला नहीं हुआ, बल्कि वो फोटो वाला चेहरा उसके दिमाग में और भी ज्यादा क्लियर होने लगा और उसके दिमाग में वो चेहरा अब छप चुका था। अगली रात होते होते टैंजलर को वो चेहरा इतनी क्लियरिटी के साथ याद हो गया कि अब वो उसे कागज पर ड्रॉ भी कर सकता था, क्योंकि अब उसे पता था कि वो तस्वीर वाली औरत एग्जैक्टली कैसी दिखती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। उसके बाद टैंजलर को वही सेम सपना हर कुछ महीनों बाद आने लगता है, बार बार से वही सेम, जिसमें कि ऐना नाम की औरत जो कि उसकी दूर की रिश्तेदार है और वो एक औरत की फोटो दिखाकर उसे बचाने को कहती है, वो भी फ्यूचर में, और कहती है कि इस काले घने बालों वाली औरत को ढूंढना और बचाना ये तुम्हारा मिशन है, क्योंकि गॉड, भगवान यही चाहता है। टैंजलर इसी वजह से अपने आसपास हमेशा उस औरत को ढूंढता ही रहता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद भी उसे वो घने काले बालों वाली औरत कहीं नहीं मिली जिसे उसे बचाना है। अब कहानी में थोड़े से ट्विस्ट आने शुरू होंगे। कहानी को हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और अब हम पहुंच चुके हैं सन 1926 में। अब टैंजलर 39 साल का हो चुका था, उसी के साथ उसकी शादी भी हो चुकी थी, उस काले घने बालों वाली लड़की से नहीं बल्कि किसी और लड़की से जो जर्मनी की ही थी। अब उसकी 2 बेटियां भी हो चुकी थी। टैंजलर, उसकी वाइफ और उनकी 2 बच्चियां एक सिंपल जिंदगी जी रहे थे। ओवरऑल बात करें तो टैंजलर अपनी सिंपल सी लाइफ से बहुत खुश लग रहा था, लेकिन सीक्रेटली वो अंदर से निराश भी था कि उसे जो विजन आ रहे थे, सपने आ रहे थे, वो अभी तक सच नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? वो अभी तक सपने ही क्यों बने रह गए? सन 1926 के आसपास जर्मनी की इकोनॉमी बहुत रफ्तार से गिर रही थी, जिसकी वजह से टैंजलर अपनी फैमिली को लेकर अमेरिका में शिफ्ट हो गया, जहां उसे लग रहा था कि यहां मुझे बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रोजगार वगैरह बढ़िया मिलेगा। तो वो वहां पर शिफ्ट हो गए। जब टैंजलर का परिवार अमेरिका पहुंचा तो वो सेंट्रल फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गए, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर टैंजलर और उसकी वाइफ का बहुत बड़ा झगड़ा होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिए थे, जिसके बाद टैंजलर खुद ही घर छोड़ देता है। सेंट्रल फ्लोरिडा छोड़कर 300-400 मील दूर सदर्न फ्लोरिडा के एक टाउन जिसका नाम था की वेस्ट, वहां जाकर रहने लग गया। वहां पहुंचने के बाद उसे एक एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब मिलती है पास ही के एक लोकल हॉस्पिटल में, और यही वो टाउन था जहां टैंजलर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अभी टैंजलर को अपनी जॉब करते हुए 6-7 महीने ही हुए थे। फिर एक दिन वो अपने हॉस्पिटल में रेगुलर ड्यूटी कर रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत टैंजलर के ऑफिस में आती है। रुक जाइए गाइस, अब दिल थाम कर बैठ जाना, अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट। एक दिन वो अपने हॉस्पिटल में रेगुलर ड्यूटी कर रहा था कि तभी एक बूढ़ी औरत टैंजलर के ऑफिस में आती है और अपनी 21 साल की लड़की का एक्सरे करने को कहती है, क्योंकि उसकी लड़की खांसना बंद नहीं कर रही थी। इसी वजह से उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता थी। इसके बाद टैंजलर ने कागजी कार्रवाई स्टार्ट की। फिर एकदम से उसकी बेटी ऑफिस में एंटर होती है और जैसे ही टैंजलर की निगाहें उस लड़की के ऊपर जाती है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अब उसके सारे सपने सच होने लगे थे। ऐना नाम की औरत जो उसके सपने में आती थी और वो जो तस्वीर टैंजलर को दिखाती थी
कि ये लड़की तुम्हें फ्यूचर में मिलेगी, वो सभी चीजें अब सच होने वाली थी, क्योंकि वो 21 साल की लड़की कोई और नहीं, उसके सपने में दिखाई जाने वाली तस्वीर, जी हाँ, वही घने काले बालों वाली लड़की थी जिसे टैंजलर दशकों से ढूंढ रहा था। टैंजलर लगातार उस लड़की की ओर देखने लगा, फिर एकदम से होश में आता है और उस लड़की की माँ को बोलता है कि टेंशन मत लो मैम, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपकी बेटी की जान बचाने के लिए। अब लड़की की माँ तो रेगुलर चेकअप के लिए आई थी और जान बचाने की बात को सुनकर वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गए कि आखिर उसकी लड़की को हुआ क्या है। एक तरह से उसकी माँ के लिए ये मददगार भी था कि ये बंदा मदद करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी ओर अब शगुनी सी बातें भी कर रहा है जो कि इशारा कर रही थी कि आपकी बेटी मरने वाली है। फिर भी उस बूढ़ी औरत ने टैंजलर को थैंक्स कहा और उसकी सराहना की, जिसके बाद टैंजलर और उसकी माँ ने पेपर वर्क कंप्लीट किया। फिर टैंजलर जल्दी जल्दी से, उसकी दिल की धड़कनें बड़ी हुई थी, वो जल्दी जल्दी से अपने डेस्क से उठता है और तेजी से बहुत ही रफ्तार से उस लड़की के पास पहुंचता है। वो उस लड़की को शांत करने के लिए अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम अब सुरक्षित हाथों में हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़की को यह सुन थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, फिर भी उसने धन्यवाद कहा। तो लड़की ने अपना नाम अलैना बताया। जब उनकी ये थोड़ी मोटी बातें कंप्लीट हुई तो उसके बाद टैंजलर अलैना को एक्सरे रूम में ले गया और फिर एक्सरे होने के बाद वापस ले आया। जब टैंजलर ने अलैना की एक्सरे रिपोर्ट देखी तो वो एकदम से चुप सा हो गया, मानो जैसे उसकी सांसें ही थम गई हो, क्योंकि वो उस रिपोर्ट में देखता है कि अलैना को टीबी है, यानी ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों आज के दिनों में तो टीबी का इलाज है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस जमाने की जब टीबी को सीधा सीधा डेथ सेंटेंस माना जाता था कि ये तो मरेगा ही मरेगा, कोई इलाज नहीं था। अब रिपोर्ट्स को देख टैंजलर एक प्रकार से लड़की के लिए दुखी भी था लेकिन अंदर से खुश भी, क्योंकि इस लड़की का बहुत बीमार होना ये इंडिकेट कर रहा था, यानी सपनों वाली औरत जो उसे बताती थी कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहेगी, तुम्हें उसे बचाना है। तो टैंजलर भाई साहब को अब अलैना को बचाने का रास्ता खोजना था, लेकिन वो तो सिर्फ एक एक्सरे टेक्नीशियन ही था, वो कोई डॉक्टर नहीं था, तो उसे कोई भी क्लू नहीं था कि शुरुआत कहां से की जाए और इस टीबी नाम की समस्या को, इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। लेकिन टैंजलर थमा नहीं, वो लगातार कुछ महीनों और साल तक अलीना और उसके परिवार वालों के साथ टच में था। वो रोजाना उनके घर जाता और टीबी को ठीक करने की नई टेक्निक्स के बारे में बताता। वो रोज रात को घंटों बैठकर टीबी के रिसर्च पेपर पढ़ता और अलीना के परिवार को एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के बारे में भी बताता, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के बारे में बताता जो वो ट्राई कर सकते हैं, और कभी कभी तो वो अपने खुद के खर्चे पर अपनी जेब से वो दवाइयां लाता और उन्हें टेस्ट करता। टैंजलर अलैना को रेगुलरली अपने ऑफिस में भी लेकर आता और बार बार एक्सरे भी करता, इस उम्मीद में कि शायद प्रोग्रेस हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं, उसने दुनिया की सारी चीजें ट्राई कर ली, अपने दिन रात खराब कर लिए, टैंजलर ने कुछ छोड़ा ही नहीं उसके लिए, सब कुछ ट्राई कर लिया, अपनी जितनी हो सका उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ काम नहीं कर रहा था। इस बीमारी ने अलीना के शरीर को तबाह कर दिया था और आखिरकार 31 अक्टूबर 1931 यह वो दिन था जब टैंजलर को सबसे ज्यादा पछतावा होने वाला था। अलीना उस दिन मर गई जबकि वो सिर्फ 22 साल की ही थी। अलीना की फैमिली का दुख बयां किए भी बयां नहीं हो रहा था, लेकिन टैंजलर का दुख उनसे भी कई गुना ज्यादा था। टैंजलर को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अपनी एक लाइफलाइन ही खो दी हो। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने उस मिशन में फेल कैसे हो गया और उसने अपने सपने में आने वाली काले घने बालों वाली औरत को मरने कैसे दिया, आखिर क्यों नहीं बचा पाया मैं उसे। जब अलीना को दफनाने का समय आया तो टैंजलर ने अलीना की फैमिली को कहा कि मैं अलीना के लिए एक बहुत ही आलीशान ग्रेव साइट बनाना चाहता हूँ, मतलब अलीना की कबर के लिए एक सुंदर घर जिसे मॉजलियम भी कहते हैं और ये एक तरह से कबर का मंदिर कह सकते हैं। जिसके बाद अलीना की फैमिली ने टैंजलर को वो मॉजलियम बनाने दिया क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो अलीना के काफी क्लोज था। हालांकि अलीना की फैमिली को अलीना और टैंजलर का रिलेशनशिप कभी समझ में नहीं आया, बस उन्हें ये पता था कि अलीना टैंजलर के लिए काफी मायने रखती थी, इसलिए उन्होंने टैंजलर को स्ट्रक्चर बनाने दिया। अलीना को टैंजलर द्वारा बनाए गए एक छोटे से टेंपल में दफनाने के बाद टैंजलर एक तरह से अपना सारा वक्त उसी कबर में बिताने लगा। वो वहां जाकर घुटने टेक टेक कर अलीना से क्षमा करने की भीख मांगता
और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगता। अलीना की फैमिली को ये पता था कि ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उन्होंने टेंजलर को रोका नहीं, जैसा हो रहा था वैसा होने दिया। लेकिन जब ये सब कुछ महीनों तक नहीं रुका, तो अलीना की फैमिली ने टेंजलर को बहुत समझाया कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें अब अलीना का पीछा छोड़ जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन टेंजलर किसी की भी नहीं सुनता। इनफैक्ट समय के साथ टेंजलर और भी ज्यादा अलीना की कब्र में समय बिताने लग गया था, और ये सिलसिला 7 सालों तक चलता रहा। जिसके बाद अलीना की सिस्टर ने सोचा कि बस अब बहुत हुआ, उसे अलीना की मौत का जिम्मेवार खुद को ठहराना बंद करना होगा। टेंजलर ने तो कुछ नहीं खोया, बल्कि हमने सब कुछ खोया है, वो हमारे परिवार से है ना कि उसके। तो पूरी फैमिली ने टेंजलर को अलीना की कब्र पे जाने से रोकने का फैसला लिया, और टेंजलर को रोकना तभी मुमकिन था जब अलीना के टेंपल यानी मुजलियम की चाबी उससे ले ली जाए। तो एक रात अलीना की सिस्टर जिसका नाम था फ्लोरिंडा, उसने टेंजलर के घर जाने का फैसला लिया, वो भी उसे बिना बताए, ताकि वो उसे कब्र पे जाने से मना कर सके और उससे अपनी बहन की कब्र की चाबी वापस लेकर आ सके। तो फ्लोरिंडा अपनी कार में बैठ जाती है और उसके घर की ओर जाने लगती है। टेंजलर का घर मेन रोड से कुछ ही दूरी पर था और रोड से हटकर था, और सामने पेड़ों के बीच में से जाना पड़ता था। तो उसने अपनी कार उसी रास्ते पर मोड़ ली और पेड़ों के बीच से होती हुई उसके घर की ओर बढ़ी। तो दोस्तों अब अपनी सांसें थाम कर बैठ जाओ। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ, कहानी में जो ट्विस्ट आने वाले हैं, वो आपको हिला के रख देंगे। तो जैसे ही फ्लोरिडा टेंजलर के घर के पास पहुँचती है, उसे सामने घर दिखता है, तो वो सबसे पहले जो चीज वहाँ नोटिस करती है वो ये थी कि फर्स्ट फ्लोर की विंडोज से रोशनी बाहर आ रही थी। इसका मतलब तो यही बनता है कि टेंजलर घर पर ही था, और जैसे जैसे वो उसके घर की ओर बढ़ रही थी, वो इन विंडोज के जरिए उसके घर को देखे ही जा रही थी। तो उसने उन खिड़कियों में से देखा कि टेंजलर बड़ा ही बन ठन के, और उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था, और वो किसी अनजान लड़की के साथ डांस कर रहा था, और वो लड़की भी बड़ी सज धज के तैयार हुई थी। फिर फ्लोरिंडा ने एक बार तो वापस जाने का भी सोचा कि क्यों तंग करना है। फिर उसने सोचा कि ये कब तक चलता रहेगा, आज तो फैसला हो ही जाए। तो उसने अपनी कार को टेंजलर के मेन दरवाजे के पास जाकर पार्क किया। वो कार से उतरी और दरवाजे को खटखटाने लगी। उसे घर के अंदर से साफ साफ म्यूजिक चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, तो कुछ सेकंड बाद वो म्यूजिक चलना बंद हो गया, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आया। लेकिन फ्लोरिंडा यह जानती थी कि घर में लोग मौजूद हैं, टेंजलर भी वही है, तो उसने फिर से दरवाजा खटखटाया। इस बार भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आया, और घर में सब कुछ शांत था, मानो जैसे कि घर में वो लोग ऐसा दिखावा कर रहे हो कि घर में कोई भी नहीं है। तंग होने के बावजूद उसने तीसरी बार जोर से फिर दरवाजा खटखटाया और साथ में कहा कि टेंजलर, मैं जानती हूँ कि तुम अंदर ही हो, और मैं तुमसे अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज बाहर आओ। फाइनली उसे घर के अंदर से पैरों के चलने की आवाज सुनाई देती है, फिर उसके बाद दरवाजा अनलॉक करने की आवाज भी आई, जिसके बाद वो दरवाजा सिर्फ एक दरार जितना ही खुला, जिसमें से टेंजलर नजर आया, और उसने फ्लोरिंडा की ओर बड़ी ही चौकन्नी नजर से देखा और ऊंची आवाज में कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर फ्लोरिंडा ने कहा कि देखो, मैं यहाँ अपनी बहन के सिलसिले में बात करने आई हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या तुम ही बाहर आ जाओ, मुझे बात करनी है। लेकिन टेंजलर ने फ्लोरिंडा से बात करने को उसी वक्त मना कर दिया और साथ के साथ उसके मुंह पर दरवाजा भी बंद कर दिया। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले फ्लोरिंडा ने जो देखा, उसे देख फ्लोरिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब टेंजलर दरवाजा बंद कर रहा था, तो दरवाजा बंद करने के लिए उस वक्त वो उस दरार के सामने से हटा, जिससे फ्लोरिंडा की नजर टेंजलर से हटकर उसके पीछे घर में गई, जहाँ एक चेयर पड़ी हुई थी जिसका मुंह दरवाजे की ओर ही था, और उस चेयर के ऊपर वो लड़की बैठी हुई थी जिसके साथ टेंजलर कुछ वक्त पहले डांस कर रहा था, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद फ्लोरिंडा की बहन अलेना थी, जो 7 साल पहले मर चुकी थी। फ्लोरिंडा बाहर खड़ी हुई थी और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, क्या करे वो। ये सब कुछ देखने के बाद वो वापस अपनी कार में जाकर बैठी और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। तो वो ये सारी चीजें पुलिस को बताती है। फिर पुलिस के साथ फ्लोरिंडा टेंजलर के घर पहुंचती है और पुलिस टेंजलर का दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खुला, तो टेंजलर पुलिस को देखते ही समझ गया कि अब उसका भांडा फूट चुका है। पुलिस और फ्लोरिंडा ने उस लड़की को देखा जो टेंजलर के साथ थी, जिसके बाद उन्होंने कंफर्म किया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फ्लोरिंडा की बहन अलीना ही थी। लेकिन उससे भी
चौंका देने वाली बात तो ये है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये है कि अलीना मरी हुई थी और उसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। फिर पुलिस ने ये सब देखते ही टैंजलर को वहां से उठा लिया और थाने ले आए, जिसके बाद उसने सब कुछ बकना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि अलीना की कब्र पे बने कमरे में वो अलीना से बात कर सकता था और इसलिए वो उसकी कब्र पर रोजाना जाया करता था ताकि वो दोनों साथ में टाइम बिता सकें और एक दूसरे से बात कर सकें। लेकिन एक पॉइंट पर आकर जब सन 1933 आता है, अलीना को मरे को 2 साल हो चुके थे, टैंजलर ने कहा कि उस वक्त जब वो उसकी कब्र पे गया तो अलीना ने उससे कहा कि अब वो इस कब्र में नहीं रहना चाहती, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर। तो अगले दिन टैंजलर अलीना की कब्र पे पहुंचता है औजार लेकर। फिर उसने अलीना के कॉफिन को उसकी कब्र पर बने कमरे से बाहर निकाला और उसमें पड़ी उसकी लाश को निकाल कर अपने घर ले आया। लेकिन उसने उसकी कब्र पर जाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। अगले 5 सालों तक वो रोजाना उसकी कब्र पर जाता रहता था, ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को शक ना हो। लेकिन अलीना की बॉडी कभी भी उसकी कब्र में वापिस नहीं गई। अलीना की बॉडी टैंजलर के घर पर थी, जहां उसने बड़ी ही मेहनत से अलीना की डीकंपोज्ड हुई बॉडी को आपस में जोड़ने की कोशिश की। उसने गिटार के वायर्स लिए और पूरी बॉडी में उस वायर से अलीना की हड्डियों को आपस में जोड़ा ताकि उसकी हड्डियों का ढांचा आपस में जुड़ा रहे, और उसकी आंखों को कांच की आंखों से बदल दिया और एक स्पेशल वैक्स से अलीना की स्किन को पूरी तरह से कवर कर दिया और उसकी बॉडी को अंदर से कपड़ों के पीसेस से भर दिया ताकि वो उसे उसकी नेचुरल लुक दे सके। और वो लगातार उसकी बॉडी के ऊपर परफ्यूम स्प्रे करता रहता था ताकि उसकी बॉडी की गंदी स्मेल ना आ सके। और जब टैंजलर की नजरों में अलीना नॉर्मल लगने लगी तो वो उसके साथ ज्यादा समय बिताने लगा, जितना भी वो कर सकता था उतना समय वो बिताने लगा। यही नहीं, टैंजलर अलीना के कपड़े भी हमेशा चेंज करता रहता था, उसका मेकअप भी करता था और उसे नए नए गहने भी पहनाता था, उसके साथ अपनी सारी बातें करता था, हंसता था, रोता था और उसके साथ सोता भी था। टैंजलर ने आगे चलकर पुलिस को यह बताया कि अलीना को उसके घर में रखने का मकसद सिर्फ ये था कि वो उसे दोबारा से जिंदा कर सके, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसकी बॉडी को किसी तरीके से अपर एटमॉस्फेयर में ले जाए तो वहां मौजूद रेडिएशन से उसकी जिंदगी वापस लौट आएगी। अगर उसने ये काम कर दिया तो गॉड द्वारा दिया गया उसको बचाने वाला मिशन पूरा हो जाएगा। उसने अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए एक एयरक्राफ्ट भी बनाया था जो अलीना की बॉडी को अपर एटमॉस्फेयर में ले जा सके। कहने का मतलब यह है सीधा स्पेस, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पूरा नहीं उससे नीचे। लेकिन टैंजलर को कभी भी अलीना की बॉडी को आसमान में मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में ले जाने का मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि उसका भांडा पहले ही फूट गया था। उस पर बिना अनुमति के कब्र खोदने और बॉडी को निकालने के जुर्म में मुकदमा चला। हालांकि कुछ समय बाद उसके ऊपर से ये सारे मुकदमे रद्द कर दिए गए और उसे छोड़ दिया गया। और वहीं अलीना की बात करें तो उसकी बॉडी को उसके परिवार के हाथ में थमा दिया गया, जिसके बाद उसे की वेस्ट में ही कहीं पर दफना दिया गया और किसी को नहीं बताया गया कि उसे कहां दफनाया गया, और आज तक किसी को नहीं पता कि उसे कहां दफनाया गया है। ओवर एंड आउट। और हाँ गाइज, अगर आपके पास भी ओपिनियन है तो उसे वेस्ट मत करो, उन्हें प्रोबो पर यूज करके अर्न करो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो को डाउनलोड करो और मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेंगे अप टू 25 रुपीज। डाउनलोड करो, प्रोबो करो।